हाय एवरीवन, आज जस्ट कुक इट पे हम बनाने वाले हैं केक, वो भी एयर फ्रायर में। तो देखते हैं ये केक किस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा बटर। हमने यहाँ पर बाहर का बटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घर पे भी बनाए हुए बटर का यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग एक बड़ी चम्मच जो है यहाँ बटर लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करके हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। इसी तरीके से करेंगे मेल्ट। अब इसमें हम डालेंगे शुगर, जो हमने एक कटोरी कैस्टर शुगर का इस्तेमाल करा है, यानी पिसी हुई चीनी। उसे अच्छे से मिला लेंगे इसके साथ। तो मक्खन और चीनी को, दोनों को अच्छे से मिला लेना है आपस में, बढ़िया तरीके से कंबाइन हो जाएंगे। अगर आपको बटर की क्वांटिटी कम लग रही है तो थोड़ी सी और डाल सकते हैं, और फिर से इसे एक बार मिक्स कर लें। और इसके बाद इसे हमने करना है ब्लेंड। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे एक अंडा, और उसको हमने ब्रेक करके इसमें डाल लिया है। अब फिर से एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हम स्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। अगर आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको दूध का इस्तेमाल करना होता है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, ताकि ये और अच्छे से मिक्स हो जाए, और जितनी क्वांटिटी थी ये ऑलमोस्ट उसका डबल हो जाएगा, और बहुत थिक सा बैटर इस तरीके का बन जाएगा। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसके केक की। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मैदा। तो पहले हम मैदा को जो छान लेंगे, इसी में साथ में हमने, अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं चॉकलेट फ्लेवर तो हम करेंगे कोको पाउडर का इस्तेमाल, और अगर हम बना रहे हैं वेनिला फ्लेवर तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वेनिला कस्टर्ड पाउडर का। तो इसका जो टेस्ट है वो केक में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। कुछ इस तरीके से दोनों को मिक्स करते हुए छान लेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स करके इसको छानना है हमने। और साथ ही के साथ हम डाल देंगे यहाँ पर नमक, बिल्कुल थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। अब इसको जब हम हमारे चीनी, अंडे और मक्खन के बैटर में डालेंगे तो एक बार फिर से अच्छे से छान लेंगे। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे हम। तो पहले हल्के हाथ से इसे मिलाना है, और जब ये पूरा मिक्स होने लगे तो इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिलाएंगे। इसमें साथ ही में हम यहाँ पर दूध डाल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। तो टूटी फ्रूटी ऐड करने की सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि हमें इसे मैदा में मिक्स करके, कोट करके, उसके बाद इसमें डालना होता है। जब हम टूटी फ्रूटी को मैदा में मिक्स कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, जब ये केक में जाती है तो नीचे नहीं बैठती है टूटी फ्रूटी, वो ऊपर ही रहती है। लेकिन अगर हम उस ऐसे ही डाल देंगे बिना मैदा में कोट करे हुए, तो जब केक बेक होता है तो सारी टूटी फ्रूटी नीचे बेस में आ जाती है। सो ये ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम टूटी फ्रूटी को इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक सिलिकॉन मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसको हल्का सा ग्रीस करके उसमें डाल देंगे ये बनाया हुआ बैटर। इसको अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे इसमें।
इसको स्प्रेड करेंगे और अच्छे से टैप करेंगे ताकि किसी भी तरीके के एयर बबल्स ना रह जाएं। और अब हमने करना है इसे एयर फ्राई, तो इसे एयर फ्रायर में रखेंगे, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऊपर से डाल देंगे और एयर फ्रायर में हमने इसे लगभग 10 मिनट के लिए 160 डिग्री पर रखना है। तो 160 डिग्री पर एयर फ्रायर को सेट करेंगे, 10 मिनट के लिए इसे लगाएंगे और इतना स्वादिष्ट केक बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। रेसिपी सब्सक्राइब जस्ट कुक इट।